और ये मेरा जो हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑल फीमेल हिंदुस्तानी कर्नाटक कॉम्बिनेशन का ग्रुप है, जिसमें कर्नाटक हिंदुस्तानी का जो बेस्ट रेपर्टोयर है वो हम प्रेजेंट करते हैं, और परकशन जो ताल वाद्य है उसको भी ज़रा प्रमुख प्रेजेंट करती हूँ। तबले को की जो भाषा है, उसके जो अलग अलग का चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करने के लिए मैं उसको बहुत प्रेजेंट करती हूँ जी। मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो एक एटीट्यूड है कि अपने आप को एक अच्छा म्यूजिशियन ही समझना, अच्छा म्यूजिशियन की खोज करते रहना, हमेशा काम करते रहना, यही एक चीज़ है जो आगे मुझे पुश करते रहता है। और जबकि मैं म्यूजिशियन फैमिली से नहीं हूँ और मैं फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल तबला प्लेयर हूँ, तो उसको कायम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मतलब मैं कह सकती हूँ 300 गुना मेहनत करनी पड़ी, एंड लिटरली अपने आप को इतना सक्षम बनाना पड़ा हर फील्ड में, ताकि मैं हर किसी के साथ बजा सकूं और तबला सोलो में और एक अलग मकाम करूं। जैसे कि मैंने तबला जुगलबंदी, खुद के साथ तबला जुगलबंदी, ये एक नया प्रयोग किया है, एक बहुत अलग ये एक इट्स इनोवेशन इन रिदम टू हाईलाइट द यू नो व्हाट कैन बी पॉसिबल विद रिदम एंड टू हाईलाइट ऑल दीज आस्पेक्ट्स। That is why I have done these, you know, innovations. तो ये जो तबला जुगलबंदी है ये बहुत ही मतलब लोकप्रिय हुआ है, और ये देश भर में मैं प्रेजेंट करती हूँ, जहाँ पे एक डायलॉग है कि यू नो एक मेल और फीमेल के बीच डायलॉग, या जो आप कह सकते हैं कि यू नो जैसे आम लाइफ में हमारे हर रोज़ के एवरीडे स्टोरीज जो होती हैं उसको अपने म्यूज़िक में डाल के, ताकि हम संगीत को सब दुनिया में हम फैला सकें। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सुने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर सकूं। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे अलग प्रयोग किए हैं, जैसे कि कृष्ण के ताल, जहाँ पर कृष्ण की जो लीलाएँ हैं उसको मैंने तबले पर ढाला है, या अर्धनारेश्वर ऐसे या जैसे राम और हनुमान के बीच में जो एक कॉन्वर्जेशन जो होता है, या हनुमान जयंती के अवसर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने प्रेजेंट करती हूँ। तो ये जो एक एक स्टोरी या स्टोरी टेलिंग थ्रू तबला, ये एक अलग चीज़ मैंने किया है, कायम किया है, जिसका नाम है अनुराधा पालिन तबला जुगलबंदी विथ हरसेल्फ। तो ये बहुत एक लोकप्रिय हुआ है। स्त्री शक्ति मैंने फॉर्म किया बिकॉज मुझे जो मेरी खुद की एक स्ट्रगल थी, मैं एक म्यूजिशियन फैमिली से नहीं हूँ और पहली तबला वादिका लड़की होने के लिए मुझे 9 साल की उम्र से मैंने परफॉर्मेंस देना शुरू किया, और आप सोच सकते कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी कि मैं इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना नाम और काम कायम करूँ। और उस वजह से मैंने स्त्री शक्ति को फॉर्म किया, ताकि दूसरी जो लड़कियां हैं जो यू नो टैलेंटेड हैं, जो डिसएडवांटेज हैं क्योंकि हमारा एक मेल डोमिनेटेड म्यूज़िक फील्ड है, तो उसमें ताकि मैं दूसरों का भी मदद कर सकूं, इसलिए मैंने इस फील्ड को इस में स्त्री शक्ति को फॉर्म किया, जो आज देश भर में, विदेश में, मतलब US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह में स्त्री शक्ति ने अपना झंडा यू नो लहराया है। और इस तरह से मैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और मैंने इसमें तबले के थ्रू लोगों को सेंसिटाइज भी कराया है कि लड़कियाँ ये किस तरह से अगर आप हर चीज़ कर सकती है, लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती हैं, हम उनको खाली मौका दें, एक इक्वालिटी से हम उनसे पेश आएँ और हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तो एम्पावरमेंट विल हैपन। सो फर्स्ट वी हैव टू गिव देम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड यही चीज़ को मैंने अपने जब मैं परफॉर्म करती हूँ देश विदेश में जब जाती हूँ, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, मैंने जब मुझे जब बुलाया गया योगा डे पे June 21 जो अभी आने ही वाला है, इसमें ऐसे ही एक
तीन साल पहले एक योगा डे में मुझे आमंत्रित किया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट बेटी बचाओ में दी यू नो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वो यू नो द तबला इज एम्पावरिंग यू नो इज ब्रेकिंग दैट होल थिंग. सो जो बेटी बचाओ में मैंने ये किया कि 1,00,000 लोगों के सामने जो विलेजर्स 1,00,000 लोग जो योगा डे पे यू नो एकत्रित हुए थे उनके लिए मैंने परफॉर्म किया और उनको सेंसिटाइज कराया कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, उनको आप पढ़ाइए लिखाइए. और इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर एक कह सकते हैं एक एंथम भी लिखा जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के लिए मैंने लिखा, जो इस तरह से जाता है कि खुद को तू पहचान दे, खुददारी को चूम ले, पढ़कर अपनी पहचान बना, स्त्री शक्ति की मिसाल बने. तो इस तरह से हमें सारी जो शुरू से टैबूज इन सोसाइटी है या जो हम रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं अलग अलग लोगों पे कि भाई ये म्यूजिशियन फैमिली से नहीं है तो वो नहीं कर सकते, वो लड़की है तो ये नहीं कर सकते, ये हम क्यों सोचते हैं. हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, फिर वो जो भी आगे कर सके वो उसकी किस्मत है. इसका ऐसा है कि पद्मश्री M.T. व्यास मेरे नाना जी हैं. मेरी माँ बहुत मशहूर पेंटर और राइटर ऑथर थी और मेरे उनका नाम लीला पाल था और मेरे पिताजी देवेंद्र पाल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत बड़े डॉयन थे. और मेरे नाना जी M.T. व्यास उनका नाम था. उन्होंने बहुत बड़े वो एजुकेशनिस्ट रहे और 40 स्कूल्स उन्होंने बनाए ऑल ओवर इंडिया. तो इन स्कूल्स को और उन्होंने ये सारे स्कूल्स को सोसाइटी के लिए समर्पित कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा. तो मैंने एक्चुअली कोविड के टाइम में काफ़ी कुछ ऐसे सोशल काम भी किए, म्यूजिशियंस को हेल्प करना, महिलाओं को हेल्प करना, जो अपंग है उनको हेल्प करना, और जो सीनियर म्यूजिशियंस हैं या बाकी जो लोग हैं जो हर तरह से मतलब नॉट जस्ट म्यूजिशियन बट बाकी हर किसी को स्कूल फीस की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को मोबाइल नहीं है पढ़ाई लिखने के लिए करने के लिए, तो उनके लिए किया. तो उसी टाइम में मैंने M.T. व्यास अवार्ड इंस्टीट्यूट किया क्योंकि एक बहुत मशहूर पुस्तक जो मेरे नाना जी ने लिखी थी उसका नाम है द टीचर एंड द टॉट. ये उस टाइम में रिलीज़ हुई जस्ट जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली. उस टाइम में हमने ये पुस्तक रिलीज़ की और माननीय शिक्षा मंत्री निशंक जी उन्होंने उसको रिलीज़ किया और बहुत सारे वाइस चांसलर्स और अलग अलग जो लोग हैं कल्चर और लिटरेचर के फील्ड से उन्होंने वो ज्वाइन किया और उसको रिलीज़ किया. तो इस मतलब मेरे नाना जी के जो कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर सोसाइटी, फॉर कल्चर, फॉर एवरीथिंग, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया. और प्लस सबसे ज़्यादा कि महिलाओं को हम प्रेरित करें कि वो म्यूज़िक और डांस में जाए और सोशल वर्क जो है उसमें भी जाए, चाहे वो एनवायरनमेंट को देखना हो या सस्टेनेबिलिटी को देखें या जो अलग अलग जो सोशल कॉजेज हैं उसको हम कैसे सपोर्ट करें और महिलाओं को सपोर्ट और एनकरेज करने के लिए मैंने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया. और अभी 2 साल ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, अभी 3रा साल और चलते रहेगा. जैसे आपने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मैंने हमेशा मेरे गुरुओं को अपनी भक्ति से अपने समर्पण से सीखा है और उसको अब उनकी कला को और आगे ले जाने की मतलब हमेशा मैं उसमें कोशिश में और मेरे मतलब मेरी हमेशा ये एक तड़प और कोशिश रहती है कि मैं और इस काम को और बढ़ाऊँ काम करूँ. तो जब उनका 100th ईयर था सेंटिनरी सेलिब्रेशन उस्ताद लदारका खां साहब का, तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम दो मतलब ऐसे इतने सारे तबला प्लेयर को लेके साथ में एक प्रोग्राम आयोजित मैंने किया साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर के साथ में. और उसमें पहली बार आप सोचेगा कि ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये शायद जाएगा. और उसमें ये है कि पहली बार 217 तबला प्लेयर एक स्टेज में बैठ के उन्होंने एक बड़े मास्टर के लिए ये एक
यू नो एक श्रद्धांजलि कहिए या एक हाजिरी सबके लिए उनको उनको उन्होंने अर्पित की। तो ये एक पहला एक रिकॉर्ड कायम किया मैंने। मेरी माँ क्योंकि बहुत मशहूर पेंटर थी तो बचपन से मुझे यू नो और उन्होंने एम एफ हुसैन साहब से सीखा भी है, मेरे भी उस एक तरह से एक इंस्पिरेशनल गुरु रहे। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली जस्ट अप्रोच किया कि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम यू नो ये हमारी एक एक्चुअली हुआ ये कि एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में हुसैन साहब आए मेरा प्रोग्राम सुनने। तो जब उन्होंने बहुत खुश होकर वह तब दूसरे दिन सुबह मेरे घर पे पहुंच गए और उन्होंने वो फिल्म की रफ कट वो लेके आए अपने साथ और उन्होंने कहा ये फिल्म है ये गजगामिनी मैंने बनाई है, इसका म्यूज़िक आपको करना है। तो मैंने कहा भाई मेरी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप किसी बड़े उस्ताद को बोलिए तो वो दे कैन डू जस्टिस टू द फिल्म, मुझे नहीं ये समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आई वॉन्ट यू टू डू द म्यूज़िक बिकॉज आपने जो स्ट्रगल किया है और आपने जो कायम किया है और आपने जो सक्सेस मतलब यू हैव गॉन फ्रॉम द रिजेक्शन द स्ट्रगल द पेन टू द सक्सेस, यू हैव ट्रेवल्स द जर्नी एंड यू आर स्टिल गोइंग अहेड एंड अहेड, सो ये जर्नी इस जर्नी को मैं बाहर दर्शन, यही बात है जो गजगामिनी में बाहर आती है और जो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इस वजह से उन्होंने मुझे फिर मैंने उसका काम किया और उन्होंने मतलब मेरे को पूरी छूट दी आपको जैसे करना है बिकॉज बट मैंने एटलीस्ट 200-300 बार उस फिल्म को देख के उसको समझ के उसके पीछे की जो सोच है उसके जो डेप्थ है उसको समझ के मैंने पूरा जो है पूरा कंपोजिशन तबले पे और वॉइस, खाली मैंने वॉइस यूज़ किया और तबला, एक दूसरा और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना तो कोई प्लेयर है ना तो कोई कंपोज़र है, सिर्फ मैंने सब कंपोज भी किया और बजाया भी।